अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आपका क्या हाल है? उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो मैं ना आपको बताने जा रही हूँ चिकन कैसे धोते हैं। ये मैंने 1 किलो चिकन लिया हुआ है, इसको पहले ऐसे सादे पानी में धोना है, अच्छे से साफ़ कर लेना। साफ़ करके फिर आपने इधर दूसरे पानी में डाल दे देना। आप जब भी चिकन लाते हैं उसी वक्त आपको धोना पड़ता है। बार दफ़ा मेहमान आ जाते हैं, बहुत जल्दी होती है, तो ऐसे धो के पहले शॉपर बना के रख लेते हैं फ्रिज में। जब भी मेहमान आए, खुद बनाना हो, झटपट से निकाला फ्रिज से और बनाना शुरू कर दिया। तो ये मैं अभी आपको धो के बताती हूँ क्या करना। अच्छा जी, मैंने अब इसको धो दिया पानी 1 मिनट। अब मैं इस बाउल में पानी डालूंगी और 1 चम्मच नमक का भर के। और 3 से 4 चम्मच सिरके के डालूंगी। ज़रा इसको ना नमक को घोल लूँ, पानी में मिक्स कर लूँ नमक। अब मैं इसमें थोड़ा पानी और डालूँगी, मुझे ये कम लग रहा है, इतना डालूँगी जिसमें चिकन डीप हो जाए। तो ये जो मैंने अभी धो के चिकन रखा है, इसको मैं इस पानी में डालूँगी। तकरीबन इसको 5 मिनट इस पानी में डुबो के रखूँगी। तो 5 मिनट के बाद फिर मैं बताती हूँ आपको इसकी रंगत कैसी होती है, धुल के ये कैसा साफ सुथरा हो गया। इसके सारे जरासीम भी मर जाते हैं सिक्का से के साथ धोने से, और नमक डालने से ज़रा ये अंदर तक इसके चला जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। अब ये 5 मिनट हो गए हैं चिकन को भुगोए हुए, तो मैं इसको निकालने लगी। ये देखें इसकी रंग, ये ज़रा वाइट हो जाता है क्योंकि सिक्का जो होता है नमक इसकी है। अब इसको मैं सादे पानी में डालूँगी। इसको दो से तीन पानी धोना है। पहले मैंने सिक्के के पानी से निकाल के इधर डाला, अब इस पानी से निकाल के मैं इधर डालूँगी। अब फिर इसको धोऊँगी। ये देखें माशाल्लाह कितना साफ हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया। इसके अंदर से जरासीम वगैरह भी जो होते हैं, उधर मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं, तो सारा निकल गया। ये माशाल्लाह अच्छे से अब धुल गया। इसको मैं एक और पानी डिप करूँगी, निकाल लूँगी इसको। ये चिकन धोया मैंने इसमें, ये अच्छे से अब धुल गया। आप इसको सेव कर सकती हैं, धो के फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्रीज नहीं करूँगी, मैं बनाऊँगी। ये अभी इसका पानी खुश्क हो जाता है तो फिर मैं इसको बनाऊँगी। आपको इसलिए बताया कि आप इसको धो के पैकेट बना के फ्रीज कर सकते हैं ज़्यादा ला के। ठीक है जी, ये मुकम्मल हो गया। चलिए अब मैं इसका जो बनाऊँगी वो भी आपको आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, आप इसको धोएंगे, संभाल के रखेंगे, जब मेहमान आएंगे तो आप जल्दी से निकाल के बनाएंगे, तो मुझे आप दुआओं में याद रखेंगे कि अच्छा ही बताया हमको। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।